नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान और आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार था। आखिर में वैक्सीन आई गई और राजस्थान बहुत अच्छे ढंग से लॉन्च हुई है। 167 बूथ पे एक साथ में वैक्सीनेशन होगा। अभी आपने देखा, बहुत उत्साह था। प्रिंसिपल, SMH कॉलेज, उन्होंने खुद ने वैक्सीन लगवाई। 93 ओल्ड रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर डंडिया जी ने वैक्सीन लगाई। पूरे प्रदेश भर में हमने बातचीत करी, बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर। मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो हमारे यहाँ जीरो हो गई है मृत्यु दर कल ही, और आज वैक्सीन आई है, एक सुखद संयोग है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर एक माहौल बनेगा, जिस प्रकार हमने कोरोना का मुकाबला किया शानदार तरीके से, उसी ढंग से वैक्सीन का काम भी पूरा बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरी बहुत शुभकामनाएं, कोई घबराने युक्त नहीं है। वैक्सीन आवश्यक है, और वैक्सीन लगाने के बाद में भी, क्योंकि हमारी आबादी 7 करोड़ की है राजस्थान में, 7 करोड़ अधिक की है। देश की आबादी 130 करोड़ की आबादी है। एक से डेढ़ साल लगेगा पूरा वैक्सीन होने में। चेन तभी टूटेगी तब हम लोग प्रोटोकॉल का पालन करते जाएंगे लगातार, तब जाके चेन टूटेगी। वो छूटना अब आवश्यक है।